खबर बताएं, पश्चिमी सिंहभूम में सीएम चंपाई सोरेन चक्रधरपुर जाएंगे। सीएम चंपाई सोरेन जेएमएम विधायक सुखराम उराव के घर एक समारोह में पहुंच रहे हैं। बेटे की प्रीति भोज में शामिल होंगे मुख्यमंत्री और उन्हीं के दौरे को जेएमएम विधायक सुखराम उराव के गांव बनमालीपुर में हेलीपैड बनाया गया है। इसी हेलीपैड में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। सीएम के दौरे को लेकर चक्रधरपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चंपाई सोरेन को लेकर पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। हेलीपैड की व्यवस्था की गई है और वहीं पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और उसके बाद वो विधायक के बेटे की प्रीति भोज में शामिल होने के लिए वहां पहुंचेंगे। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, हेमंत सोरेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। पूर्व राजस्व कर्मी को रिमांड पर लेगी ईडी। बड़गाई के पूर्व राजस्व कर्मी को ईडी रिमांड पर लेगी। हेमंत और भानु से पूछताछ की जा सकती है, आमने सामने बैठकर पूछताछ हो सकती है। भानु प्रताप प्रसाद ने हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान दिया था और पहली बार भानु प्रताप ने ही हेमंत का नाम लिया था। बड़गाई अंचल की जमीन के कागजात बनाने को लेकर उन्होंने बयान दिया था और इसी आरोप को ईडी की टीम वेरीफाई करेगी। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के रिमांड का चौथा दिन है और आज की पूछताछ कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। रिमांड पर ईडी की टीम दो लोगों को ले सकती है। हेमंत सोरेन हैं और भानु से भी आज पूछताछ की जा सकती है, जिन्होंने सबसे पहली दफा मुख्यमंत्री पूर्व हेमंत सोरेन का नाम लिया था। दरअसल ईडी बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी रिमांड का आज चौथा दिन है और आज की पूछताछ कई मायनों में बेहद अहम बताई जा रही है। दरअसल ईडी बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप को रिमांड पर लेकर हेमंत सोरेन के साथ साथ आमने सामने पूछताछ कर सकती है। इस पर ईडी दफ्तर से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रिमांड का आज चौथा दिन है। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप को ईडी रिमांड पर लेकर आज ईडी कार्यालय पहुंचेगी करीब 11 बजे और संभव है कि हेमंत सोरेन और राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप को आमने सामने बिठाकर जिस सेना की जमीन चर्चा में है उसको लेकर पूछताछ किया जाए। कल 5 दिनों का रिमांड जो है 7 फरवरी को पूरा होने जा रहा है और संभव है कि ईडी एक बार फिर जो है हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेने के लिए पीएमएलए कोर्ट से आग्रह कर सकती है। आपको बता दें कि कल का जो